वोटर आईडी कार्ड की इस वीडियो सीरीज में आज हम आपको बता रहे हैं NVSP वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शकों, वोटर आईडी पर आधारित वीडियो सीरीज में इससे पहले हम आपको मोबाइल फोन पर NVSP की वेबसाइट का उपयोग करके वोटर आईडी की डिटेल्स देखना और मतदान केंद्र खोजना बता चुके हैं, जिसके वीडियो के लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली ERP 9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको NVSP की वेबसाइट में अकाउंट बनाने की यानी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए और वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव इत्यादि करने के लिए आपका NVSP की वेबसाइट में अकाउंट होना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और NVSP की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। इसके लिए मोबाइल में कोई ब्राउजर ओपन करें। हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइप करें www.nvsp.in। देखिए वेबसाइट का नाम टाइप करते ही यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रही है। अब या तो इस वेबसाइट को टच करें या फिर अपने मोबाइल के कीपैड में नीचे दिखाई दे रहे एरो या फिर अगर आपके मोबाइल में मैग्नीफाइंग ग्लास का साइन आता हो तो उसको टच करें। ऐसा करते ही आपके मोबाइल के ब्राउजर में NVSP यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल अर्थात राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर दिखाई दे रहे लॉगिन / रजिस्टर ऑप्शन को टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और इस पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। इस ऑप्शन पर टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को टाइप करें। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे सेंड OTP ऑप्शन पर टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अगर OTP ना आए तो यहाँ दिखाई दे रहे रीसेंड OTP पर टच करके आप दोबारा OTP मंगवा सकते हैं। OTP को एंटर OTP के नीचे दिखाई दे रहे बॉक्स में टाइप करें और फिर वेरीफाई ऑप्शन पर टच करें। वेरीफाई को टच करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं, पहला है आई हैव एपिक नंबर और दूसरा है आई डोंट हैव एपिक नंबर। एपिक नंबर अर्थात इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड नंबर, जिसे हम वोटर आईडी नंबर भी कहते हैं। यदि आपको अपना वोटर आईडी नंबर पता है तो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड रहने दें, और यदि आपको अपना वोटर आईडी नंबर पता नहीं है या फिर आप पहली बार वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। हम इन दोनों तरीकों से रजिस्टर करने की जानकारी आपको देंगे। पहले हम आई हैव एपिक नंबर ऑप्शन द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि यदि आपको अपना एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर याद नहीं है तो उसे कैसे पता करना है, इसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू सर्च वोटर आईडी एंड पोलिंग बूथ और वोटिंग सेंटर डिटेल्स ऑनलाइन यूजिंग मोबाइल बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे और इस पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ दिखाई दे रहे एपिक नंबर वाले बॉक्स में अपना वोटर आईडी नंबर टाइप करें, इसके बाद ईमेल के नीचे दिखाई दे रहे बॉक्स में अपना ईमेल आईडी टाइप करें। इसके बाद यहाँ हमें पासवर्ड टाइप करना है, पर उसके पहले इस स्क्रीन पर थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं और पासवर्ड बनाने के रूल्स देख लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कैपिटल लेटर होना आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए हमने अपना पासवर्ड बनाया demo@123 और उसे यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके नीचे जहाँ कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है उस बॉक्स में दोबारा से पासवर्ड टाइप करना होगा। ऐसा करने के बाद रजिस्टर पर टच करेंगे। रजिस्टर पर टच करते ही आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आप इस वेबसाइट द्वारा अपने आप ही लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की दूसरी प्रक्रिया बता देते हैं। उसके लिए इस पेज पर दिखाई दे रहे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर ऑप्शन पर टच करें। इस ऑप्शन पर टच करते ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को उसके नीचे दिखाई दे रहे बॉक्स में टाइप करें। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे सेंड OTP ऑप्शन को टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर OTP के नीचे दिखाई दे रहे बॉक्स में टाइप करें और वेरीफाई ऑप्शन पर टच करें। वेरीफाई को टच करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आई डोंट हैव एपिक नंबर ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे बटन पर टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही इस पेज पर कुछ अन्य ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं। अब यहाँ पूछी गई सभी जानकारी भर दें, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कैपिटल लेटर होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हमने पासवर्ड टाइप कर दिया है और उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ दोबारा टाइप कर दिया है। इसके बाद रजिस्टर पर टच करें। रजिस्टर पर टच करते ही आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आप इस वेबसाइट द्वारा अपने आप ही लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना यूजर नेम डालें। यूजर नेम के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी या फिर वोटर आईडी बनने के बाद अपना एपिक नंबर उपयोग कर सकते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को उसके नीचे वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। अब लॉगिन ऑप्शन पर टच करेंगे। लॉगिन होते ही आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि यदि आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश इंक्लूजन ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप एक ही शहर में अपना पता बदल रहे हैं यानी नए पते पर शिफ्ट हो रहे हैं, या एक शहर से दूसरे शहर में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए माइग्रेशन टू अनदर प्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप वोटर कार्ड की जानकारियों में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस की जानकारी हम आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही वोटर आईडी पर आधारित अन्य वीडियोस लेकर उपस्थित होंगे। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वोटर आईडी कार्ड की वीडियो सीरीज की इस वीडियो में आज आपने जाना NVSP वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे करें।